हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं कमलाक्ष झा, आपका एजुकेटर। एंड गाइस, प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने अच्छे से देख ली होगी होपफुली, और जो नए बच्चे हैं वो डेफिनेटली प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा टेस्ट जो है वो किस तरीके से काम करता है। डेली बेसिस पर जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसके टॉपिक्स कहां पर मिलेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन ये टेस्ट आपको कैसे देना है, सब कुछ प्रीवियस स्लाइड्स में लिखा हुआ है, तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर दिन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे बच्चे लिखते हैं कि सर इसके टॉपिक्स कहां पर मिलेंगे। तो अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स की इन्फॉर्मेशन अच्छे से देख लेंगे तो आपको टॉपिक्स की जानकारी मिल जाएगी। एंड गाइस, होपफुली आप लोगों ने टॉपिक्स तैयार करके आए होंगे, तो चलिए फटाफट से टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट लिखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल का मतलब क्वासी फेडरल मेंशन किया गया है। फेडरल मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि क्वासी फेडरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है फेडरल की जगह। जल्दी से बताइए। दूसरे स्टेटमेंट लिखा है कि पार्लियामेंट ने मेंशन किया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक नेचर है वो फेडरलिज्म है, कि फेडरलिज्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर है। ये क्या पार्लियामेंट ने मेंशन किया था, फटाक से बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। नन, ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरल या फिर क्वासी फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि क्वासी फेडरल शब्द जो डिफाइन किया है ये हम लोग को केसी ने देखने को मिलता है, केसी वेयर ने जो है वो डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल गलत होगा, दूसरा भी गलत है, क्योंकि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था कि फेडरलिज्म जो है वो बेसिक नेचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एक केस के दौरान किया गया था, गंगा राम मूलचंदानी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था फेडरलिज्म को कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर फेडरलिज्म है, राइट? और फेडरलिज्म कहीं पर भी हमारे ये जो टर्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है, मेंशन नहीं है। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर था वो नन था। अब आपको बताना है कि सातवें शेड्यूल के अंदर कौन सी लिस्ट हम लोग को देखने को मिलती है, या फिर इन तीनों में से कौन सी चीजें या चारों में से कौन सी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, कॉन्करेंट सब्जेक्ट या रेसिडरी सब्जेक्ट, इन चारों में से कौन सी चीज आप लोग को सेवन शेड्यूल में देखने को मिलती है, फटाक से बताओ। तो गाइस, इस सेवन शेड्यूल को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आंसर मिल चुका होगा, 1, 2 एंड 3, यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट और कॉन्करेंट सब्जेक्ट, ये हम लोग को देखने को मिलता है। रेसिडरी सब्जेक्ट हम लोग को सातवें शेड्यूल में नहीं देखने को मिलता है, ये वाला शब्द, ठीक है? तो ये चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। अब आप करेक्ट पेयर बताइए, एक तरफ लिस्ट लिखी हुई है और एक तरफ जो है वो नंबर्स लिखे हुए, यानी कि इस लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, जल्दी से बताओ कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा फटाफट। ये तो काफी बेसिक चीज है, मैंने आप लोग से सेवन शेड्यूल पढ़ने के लिए भी कहा था, बकायदा टॉपिक में दिया गया था, तो ये बेसिक चीज तो आपको पता होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी 3, 3 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप लोगों में इनसे अभी मुझे पता है कि काफी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नहीं सर हमने तो पढ़ा है कि 100 और 61 है, राइट, यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में। बट गाइस, इसके लिए मैंने आप लोग के लिए एक यहां पर लिंक भी प्रोवाइड करा के रखी हुई है, इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको ये देखो legislative.gov.in आपको ये ऑफिशियल लिंक यहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर अपडेटेड पीडीएफ आपको मिलेगी, किसकी, ये वाली शेड्यूल, इसकी सातवें शेड्यूल की अपडेटेड लिस्ट आपको मिलेगी। अपडेटेड में हम लोग को देखने को मिलता है कि यूनियन लिस्ट के अंदर 98 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उस समय 97 हुआ करते थे, एट प्रेजेंट 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग 98 सब्जेक्ट है, और एग्जाम में आपको ये 98 ही मार्क करना है, क्योंकि ऑफिशियल डेटा में से उठाकर मैं आपको चीज दे रहा हूं। दूसरी लिस्ट 2 जो है वो स्टेट लिस्ट है, इसके अंदर 59 सब्जेक्ट्स हैं एट प्रेजेंट, ओरिजिनली इसमें 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 52 है एट प्रेजेंट, और ये पहले हम लोग को 47 देखने को मिलते थे। तो ये इसमें सिर्फ तीसरा जो था वो बिल्कुल करेक्ट था, बाकी दोनों जो थे वो गलत थे। और आप टेंशन मत लीजिए, अभी थोड़ी देर के बाद आपने अगर हमारे वाले चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा, ओनली करंट अफेयर नाम का चैनल टेलीग्राम का, तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें एक तो आपको टॉपिक्स भी डेली मिलते हैं, दूसरी बात इसकी अपडेटेड पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और इसकी जो मैं आपको पीडीएफ अभी दूंगा उसमें मैं हाइलाइट करके मेंशन कर दूंगा कि आप लोग को स्पेशली इन तीनों लिस्ट में कौन सी चीजें आप लोग को पढ़नी है, याद रखनी है, क्योंकि मैंने उसमें करंट अफेयर से भी काफी कुछ चीजें लिंक करते हुए मैंने आप लोग के लिए उसमें हाइलाइट लगा के रखा हुआ है, कि उसको आप ज्यादा गौर से पढ़ना, लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आगे चल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस प्रकार के, जैसे कि यूनियन लिस्ट के अंदर कौन सी चीजें शामिल हैं। तो फटाक से बताओ इन पांचों में से कौन सी चीजें हम लोग को यूनियन लिस्ट में देखने को मिलती है, जल्दी से बताओ, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो मैंने जो आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसमें मैंने हाईलाइट वगैरह भी करके रखा हुआ है, तो आप ओनली करेंट अफेयर टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लो अगर नहीं किया है, तो वहां पर डेली टॉपिक्स भी मिलते हैं। तो देखो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 1, 2, 3, 4, ये चारों इसके करेक्ट आंसर है। पांचवा जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, तो पांचवा जो है वो गलत है, बाकी रेलवे कहीं की भी हो चाहे वो, तो मैंने आपको घुमाने के लिए ये फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लिख दिया है, रेलवे लाइन कहीं की भी हो ये यूनियन लिस्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। पोर्ट हॉस्पिटल्स हम लोग को जो देखने को मिलता है, यानी कि जो पोर्ट्स
वगैरह होते हैं ना, तो उसमें जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसको शिप आइसोलेटेड शिप्स भी कहा जाता है। तो कई बार आइसोलेशन या क्वारंटीन किया जाता है, शिप्स वगैरह को अलग रखा जाता है कई चीजों में। तो उसके जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। उसके उससे रिलेटेड कानून वगैरह रूल्स रेगुलेशन यूनियन जो है वो बनाती है, सेंटर बनाती है। इलेक्शन जितने भी स्टेट्स के अंदर होते हैं उसका भी पूरा दायरा हम लोग को यूनियन लिस्ट के अंदर देखने को मिलता है, राइट। आप लोग को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है यूनियन लिस्ट के अंदर है, और ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये स्टेट्स के भी इलेक्शन कंडक्ट करती है, इवन सेंट्रल के भी। तो ये एक हमारा यूनिटरी फीचर भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ स्टेट, तो हमारे जो कैग हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये भी यूनियन के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, यूनियन लिस्ट में आते हैं, राइट। तो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2, 3, 4 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अब आगे की बात करें हम लोग, तो ये आपके सामने अगेन एक और क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से आपको बनाया, गौर से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, कि एक इंसान है जो कि मध्य प्रदेश में जॉब कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पावर होती है कानून बनाने की, इस यानी कि ये इंसान है जो जॉब कर रहा है, इसकी जो अर्निंग, इसकी जो इनकम आती है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, तो उस टैक्स को चेंज करने का कानून जो है, या फिर उस टैक्स को चेंज करने, उस टैक्स से रिलेटेड कानून को चेंज करने की जो पावर है वो किसके अंडर आती है? क्या वो स्टेट के अंदर आती है, सेंटर के अंदर आती है, दोनों के पास पावर होती है, जीएसटी काउंसिल के पास पावर होती है? जल्दी से बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस प्रकार की टर्म्स वगैरह कई बार आप लोग को स्टोरी वाइज जो है वो एग्जामिनेशन में लिखे मिलेंगे, और इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। एक इंसान है मध्य प्रदेश में जॉब कर रहा है, उसको जो सैलरी मिलती है, उस सैलरी पे जो उसको टैक्स चुकाना रहता है, तो वो जो टैक्स होता है एग्जैक्टली, तो वो उसका जो स्लैब होता है टैक्स स्लैब, तो उससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, इनकम टैक्स की यहां पर बात हो रही है, जो आप समझ पाए होंगे। तो आपको बता हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये चीज पूरी हम लोग को देखने को मिलती है, तो केंद्र के पास ये पावर होती है इससे रिलेटेड टैक्स मतलब यानी कि चेंज करने की, राइट। तो पूरी कंट्रोल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी अक्सर आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगी, तो इस प्रकार की भी प्रैक्टिस मैं आपकी करवाता चलूंगा। अब बात करेंगे स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, फटाक से इसका आंसर दो। रेलवे, पुलिस, लिकर, म्यूजियम एंड स्टेट, एग्रीकल्चरल लोन्स, टैक्सेस ऑन पेट्रोल, जल्दी बताओ कि कौन से हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। ये पांचों के पांचों हम लोग को स्टेट लिस्ट के अंदर देखने को मिलता है, पांचों ही देखने को मिलते हैं। अगर स्टेट लिस्ट आपने गौर से पढ़ी होगी तो उसका आंसर आपको मिल गया होगा, राइट। चीजों को ढंग से पढ़ना है। इसके अलावा लास्ट में एक आपको मैं आज होमवर्क भी देके जाऊंगा आज के दिन। अभी देखो करंटली लोकस्ट अटैक हुआ है हमारी कंट्री के अंदर, वो टिड्डी का अटैक, आप लोग को पता होगा टिड्डी ने हमले किए हैं इंडिया में, ये देखने को मिला है। अब किसके हाथ में पावर होती है कि हमारे एग्रीकल्चरल फार्म को लोकस्ट से प्रोटेक्ट करने की, कौन है, यानी कि स्टेट, सेंट्रल या दोनों, या फिर इनमें से कोई और ही बॉडी होती है जो कि पावर बना सकती है इस प्रकार के जो हम लोग को देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चरल फार्म्स वगैरह जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कानून बना सकता है, किसके हाथ में ये कानून बना रहे की पावर होती है? फटाक से बताओ उसका क्या करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर विल बी बोथ, दोनों के हाथ में पावर होती है। कंकरेंट लिस्ट के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगी वाली चीज, राइट, कि एग्रीकल्चरल फार्म्स को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड चीज है, पेस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड चीज है, तो ये आपको कंकरेंट लिस्ट में मिलती है। तो ये दोनों के हाथ में ही हम लोग को ये पावर देखने को मिलती है इस प्रकार की, ठीक है। आठवां क्वेश्चन आपके सामने है यूनियन लिस्ट। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिटरी फीचर आपको बताना है, इंडिया के अंदर यूनिटरी फीचर जो है वो क्या है, राइट। मैंने आपसे कहा था कि इंडिया के यूनिटरी फीचर को आप लोग को पढ़ना है, और फेडरल फीचर को भी पढ़ने के लिए कहा था आगे चल के, उसका भी क्वेश्चन है आपके सामने। यूनियन लिस्ट के अंदर ज्यादा सब्जेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये 98 सब्जेक्ट हम लोग को जो देखने को मिलते हैं जो यूनियन लिस्ट के अंदर है, तो क्या ये एक वजह है यूनिटरी फीचर की इंडिया के अंदर? पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी के चलते, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से किसी भी स्टेट का एरिया बाउंड्रीज या किसी भी स्टेट का नाम जो है वो चेंज कर सकती है, तो क्या ये भी एक वजह हम लोग को देखने को मिलती है जो कि यूनियन फीचर, यूनिटरी फीचर रिफ्लेक्ट करती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए क्या सेंटर पूरा कंट्रोल स्टेट के ऊपर हासिल कर सकती है, क्या कंट्रोल कर सकती है स्टेट को बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए? फटाक से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। बकायदा लक्ष्मीकांत में ए टू जेड पूरी, ये पूरा पेपर जो मैंने बनाया आप लोग के लिए, यानी कि क्वेश्चन बनाए ये पूरे के पूरे लक्ष्मीकांत से बनाया उठा के, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 1, 2 एंड 3, तीनों ही इसके करेक्ट आंसर है। कैसे? क्योंकि आप जानते हो गाइस यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी हैं, तो ये भी एक रोल हम लोग को देखने को मिलता है कि सेंट्रल के हाथ में ज्यादा पावर हम लोग को देखने को मिलती है जो कि यूनिटरी फीचर दिखलाता है हमारे कंट्री का, राइट। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी के चलते, आप जानते हो उसके बारे में भी, सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट जो है वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री एरिया या फिर उसका नाम जो है वो चेंज कर सकती है ना, तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। साथ ही साथ तीसरी की बात करें, इमरजेंसी के समय पे आपको पता होगा कि पूरा कंट्रोल जो आ जाता है वो सेंटर के अंदर जाता है, ये तो सिर्फ इमरजेंसी की मैंने बात करी, इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि राज्यसभा भी जो है वो भी पार्लियामेंट को जो है वो पावर दे सकती है,
इस प्रकार की कि जो सेंटर जो है वो कंट्रोल करे स्टेट के ऊपर अगर कोई भी आपदा वगैरह या इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है तो ये सब जो फीचर्स हैं ये यूनिटरी फीचर है। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी थ्री, तीनों ही इसके करेक्ट आंसर है। अब देखो इसमें से आपको करेक्ट स्टेट बताना है कि गवर्नर जो होते हैं गाइस ये किसी भी प्रकार के सर्टेन टाइप्स के बिल्स जो है वो जो स्टेट लेजिस्लेचर से जो बिल पास होते हैं तो क्या वो अपने पास बिल को रख लेते हैं, रिजर्व करके रख लेते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि गवर्नर जो है वो बिल को अपने पास रख ले और बोले कि मैं प्रेसिडेंट के साथ जो है वो उस बिल को डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर इस पर फर्दर अपना जवाब दूंगा? क्या ऐसा हो सकता है गवर्नर अपने पास बिल रख सकता है क्या? हाँ, गवर्नर के पास ये पावर होती है बिल को रिजर्व रखने की, राइट। दूसरी चीज, हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है गाइस, क्या इस प्रकार के किसी प्रकार के जो बिल आते हैं जैसे कि जो स्टेट की तरफ से आते हैं और जो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जो बिल देते हैं तो क्या हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस बिल को भी अपने पास रख सकते हैं क्या? यहां पर कहा गया कि पहली बार में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस बिल को रख सकते हैं और दूसरी बार में उनके लिए यह मैंडेटरी होता है कि उस बिल पर एसेंट देना, यानी कि उस बिल को वापस जो है वो यानी कि एसेंट देकर उस बिल का जवाब देना। एक बार तो वो अपने पॉकेट में रख लेंगे उस बिल को, पर दूसरी बार जब बिल आएगा तब उनको उसका बिल का जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है इस प्रकार की? तो नहीं, बाउंड नहीं होते प्रेसिडेंट इस प्रकार की चीजों के लिए। बट अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें हमारे, तो उसमें दूसरी बार जब बिल जाता है तब हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को वो बिल का जवाब देना पड़ता है। बट यहां पर ऐसा कोई फीचर हम लोग को स्टेट के लिए नहीं देखने को मिलता, तो ये भी एक वजह होती है जो कि हम लोग को सेंट्रल की पावर जो ज्यादा होती है वो दिखलाती है, यानी कि यूनिटरी पावर ज्यादा है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से भी आपको अपनी तैयारी करनी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी वन, वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अब आपको फेडरल फीचर बताना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि इन छह आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, इन छह में से फेडरल फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या देखने को मिलता है, यानी कि क्या है ऐसा इन ऑप्शन में से जो कि बताता है कि फेडरल फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या फेडरल फीचर बतलाता है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सातवां शेड्यूल या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी? बताओ जल्दी इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑब्वियसली बात है कि ये तो झलकाता है कि फेडरल फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी दिखाता है। तीसरी बात सातवां शेड्यूल, डिवीजन ऑफ पावर आप लोग को पता होगा ये भी होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये भी एक फीचर है जो कि हम लोग को देखने को मिलता है कि जो फेडरल फीचर है। बकायदा लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में एक अलग इसके ऊपर पूरा डेटा लिखा हुआ है, यानी कि एक अलग पेज आप लोग को दिखाई देगा जो कि यूनिटरी फीचर्स बताता है और एक अलग पेज जो है लगे हुए हैं ये दोनों पेज एक ही साथ लिखे हुए हैं। दूसरा फीचर है ये फेडरल बताता है और एक यूनिटरी बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1356 यहां पर कहा है 1356, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन। बट अभी भी मैंने आप लोग को जो टॉपिक्स दिए थे गाइस उनमें से, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगली बार परसों के दिन जब हम लोग इंडियन पॉलिटी पे वापस चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तब मैं आपसे आर्टिकल 368 के बारे में और ये वाला जो टॉपिक है कि स्टेट का क्या, यानी कि जो कौन से एरियाज हैं जहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए मैंडेटरी स्टेट के रोल की रिक्वायरमेंट होती है और कौन से एरियाज हैं जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये जो दो चीजें हैं, इवन ये वाली भी आखिरी वाली भी, तो ये भी मैं आप लोग की कवर कराऊंगा नेक्स्ट अपने उसमें, क्योंकि अभी जो थे वो वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट था। और बाकी अभी थोड़ी देर के बाद मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं, ओनली करंट अफेयर जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, वहां पर वो जो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के मैंने एक बनाया हुआ है पीडीएफ, मैंने नहीं बनाया मतलब वो अपडेटेड पीडीएफ है, बट उसमें मैंने कुछ हाईलाइट्स किए हुए हैं जिसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, आपको रीडिंग करनी है। दूसरा एक टास्क मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आपको करने के लिए कि आने वाले 10 दिन के अंदर लिख लो कहीं पर, आने वाले 10 दिन के अंदर आपको न्यूज़ में जो भी चीज दिखाई दे किसी भी मैटर की, तो आप उसमें ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये फलाना सब्जेक्ट जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो 10 दिन तक ये वाली प्रैक्टिस करो, कुछ भी आप देखो, कोई भी कानून देखो, कोई भी न्यूज देखो, कोई भी वर्ड अगर आपके दिमाग में आता है, यानी कि देख रहे हो आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, तो आपका दिमाग 3 लिस्ट पर को कॉन्फिगर करने के लिए चलना चाहिए। ये 10 दिन की आपको रोज प्रैक्टिस करनी है रिलीजियसली, क्योंकि मैं जो आपको बताता हूं वो आप करो तो आपके एग्जाम क्रैक करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। और देखिए गाइस 100 डेज का हमारा क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स 2020 में, जो लोग अपीयर होने वाले हैं मैं रिकमेंड करता हूं वो डेफिनेटली इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को काफी स्ट्रांग कर देगा। और इन नंबर पर कांटेक्ट करके आपको इस क्रैश कोर्स से रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। अब चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और लेक्चर या भी टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा आपके किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट में, ठीक है। तो अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।